हेलो, ममता मेकओवर में आपका स्वागत है। आज हमारे सीरीज़ का सेकंड पार्ट है, जो कि पहले फर्स्ट पार्ट में मैंने सिखाया आपको थ्रेड पकड़ना और थ्रेड कैसे चलाना है, और सेकंड पार्ट में मैं आपको थ्रेडिंग बताऊंगी कि थ्रेडिंग कैसे करनी है। जो नए लोग हैं, जो मेरा सेकंड पार्ट की वीडियो देख रहे हैं, फर्स्ट पार्ट वीडियो नहीं देख पाए हैं, वो मेरी चैनल पे जाएं और मेरी वीडियो को ज़रूर देखें। जो बिगनर है, पार्लर सीखना चाहते हैं घर बैठे, वो थ्रेड कैसे पकड़ना है मेरे फर्स्ट पार्ट में है, और ये मेरा सेकंड पार्ट है जो कि इसमें थ्रेडिंग करना सिखाऊँगी। बिना देर किए मैं वीडियो स्टार्ट करती हूँ। देख सकते हैं ये थ्रेडिंग है, और थ्रेड यहाँ पे आपका 90 डिग्री रहता है, ये 60 डिग्री और ये 45 डिग्री, देख रहे हैं ना। आपकी थ्रेडिंग ऐसे आके और ऐसे झुकती है, तो ये 90 डिग्री पे है, ये 60 और ये 45। अगर आप बिगनर हैं तो हमेशा थ्रेडिंग को यहाँ से स्टार्ट करिए और फिर ऐसे ले जाइए, और जब ऐसे करना आ जाए तब इधर की हेयर लेके करिए, तो कभी भी थ्रेडिंग ख़राब नहीं होगा। यहाँ ज़्यादातर टच नहीं करना चाहिए, बार बार ये देखना ही चाहिए, ठीक है। अब मैं आपको थ्रेडिंग का शेप दिखाती हूँ कि कैसी कैसी थ्रेडिंग होती है। ये है हमारी थ्रेडिंग का शेप, जैसे स्ट्रेट है, अपवर्ड है, सॉफ्ट आर्च है, मीडियम आर्च है, हाई आर्च है, एस सेफ है, राउंड है, राउंड आर्च है। ये इतनी सारी हमारी होती है थ्रेडिंग, ऐसे ही सेप में होते हैं। बहुत लोग स्ट्रेट, अपवर्ड, सॉफ्ट आर्च, मीडियम आर्च, हाई आर्च, एस सेफ, राउंड, राउंड आर्च, देख सकते हैं। और ये हमारा थ्रेडिंग है। आप देखिए, हमारे पास कस्टमर आए थे, मैं उनकी ही वीडियो बनाई हूँ। ये देखिए मेरा नॉर्मल थ्रेडिंग, ये थ्रेडिंग मेरे पास ही आते हैं कराने, और मैंने देखिए ये जो ऊपर की तरफ हेयर थे उसको मैंने कट कर दिया, टेलकम लगाया है। अब ये ऊपर के हेयर्स को मैं आराम से निकालूंगी, देख सकते हैं मैंने थ्रेड को राउंड करके, और मैं कैसे निकाली हूँ ये हर कोई कर सकता है। बहुत ध्यान से अगर आप वीडियो देखोगे तो आप निकाल लोगे, देख सकते हो इधर के क्लीन हो गया। अब मैं यहाँ पे हाई, जैसे देख सकते हैं ना, जैसे आर्च में था, ज़्यादातर आर्च वाली थ्रेडिंग ही आजकल चल रही है, ज़्यादा ट्रेंड में यही है। बहुत लोग स्ट्रेट नहीं कराते हैं, और जिसका स्ट्रेट रहता है तो उसको भी आर्च देने की कोशिश कर किया जाता है। आप देख सकते हैं ऊपर की क्लीन हो गई है। अब ये आई लिड के पास में आ गई, आप देख सकते हैं जो एक्स्ट्रा दिख रहा है उन्हीं को आप निकालिए, ऐसे थ्रेड में फंसाइए और उतने को ही निकाल दीजिए, ये नहीं कि बहुत ऊपर ऊपर से करना है, ठीक है। देख सकते हो बहुत आराम से, ये देखिए कितना आराम से फंस जा रहे हैं और निकल भी जा रहे हैं। इनकी थ्रेडिंग पहले से बनी हुई है तो अलग से ही हेयर दिख रहे हैं, जो पहले से बनी हुई थ्रेडिंग होगी उसमें जो हेयर आए होंगे वो अलग दिखते हैं कि कहाँ से हमें निकालना है। आप देख सकते हो कितना अच्छे से हो जा रहा है। आपको भी फिर ऐसे आगे का, यहाँ पे ज़्यादातर चीज़ें ध्यान दोगे, आगे का जो आईब्रो होता है वही ख़राब होता है। देखिए मैंने क्लीन कर लिया प्रॉपर, मैं यहाँ पे जो भी छोटे छोटे हेयर बचे हैं उसको निकाल रही हूँ। और मैं ऐसे यहाँ पे ऐसे स्ट्रेच कराऊंगी ऐसे, उसके बाद से देखिए छोटे छोटे जो हेयर है वो भी रिमूव हो गए। इन्होंने नॉर्मल थ्रेडिंग कराई है, जैसे बहुत पतला ये नहीं कराते, देख सकते हो आप। बहुत आराम आराम से हेयर निकालोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी और थ्रेडिंग बन भी जाएगी। आप देख सकते हैं ये थ्रेडिंग बन गई है। थ्रेडिंग बन गई है, फिर भी मैं देखूंगी कि छोटे छोटे हेयर तो नहीं कहीं बचे, तो ये जो छोटे छोटे हेयर बचे हैं उसको मैं ये इसे रिमूव कर रही हूँ। ऐसे ही आपको करना है,
ये नहीं कि पतले वाले हेयर नहीं रिमूव करने, बहुत ही क्लियर करना है, बनाना है आपको, और फिर देखना है कि कहीं अनइवन हेयर तो नहीं है, और कंट्रोल करके हेयर थ्रेड चलाना है। देख सकते हैं आराम आराम से, वहां पे भी छोटे छोटे हेयर बचे हैं फ्रंट में। ऐसे अगर आप करते रहोगे, आपको अगर प्रैक्टिस हो जाएगा तो थ्रेडिंग कर पाओगे। और बीच का हमेशा क्रॉस वाइज हेयर रिमूव करना चाहिए। देख सकते हैं इसमें थोड़ा सा मुश्किल होगा आपको, लेकिन प्रैक्टिस से आपको आ जाएगा। देख सकते हैं जो मुझे एक्स्ट्रा लग रहा है उसे मैं रिमूव कर रही हूँ, बीच का जो बीच का है क्रॉस वाइज ही निकलेगा, हम देख सकते हैं। सेकेंड साइड भी वैसे ही थ्रेडिंग होगी जैसे मैंने फर्स्ट साइड किया है। आप देख सकते हैं पहले कट किया मैंने, और फिर उसके बाद से पहले ऊपर की थ्रेडिंग को क्लीन कर रहे हैं, उसके बाद से आईलिड पे ऐसे पीछे से करोगे तो बहुत अच्छे से आसानी से रिमूव भी हो जाएगा और फ्रंट ख़राब भी नहीं होगा। जब प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप फ्रंट से भी कर सकते हो। देख सकते हैं कितने अच्छे से हो जा रहा है। जो भी छोटे छोटे हेयर्स हैं या जो भी एक्स्ट्रा आपको लाइन से एक्स्ट्रा लग रहा है उसे रिमूव करोगे और हमारा थ्रेडिंग कंप्लीट हो गया। आपकी थ्रेडिंग फॉरहेड पे भी, फॉरहेड का भी थ्रेड से आप रिमूव कर सकते हो हेयर को, अपर लिप पे, लोअर लिप पे, साइड लॉक पे आप ऐसे रिमूव कर सकते हो। देखिए मैं अपर लिप भी ऐसे, अपर लिप में सिर्फ कॉर्नर पर ध्यान देना होता है कि कट ना लगे, बहुत आराम से करना होता है। आप देख सकते हैं ज़्यादातर कस्टमर थ्रेडिंग फॉरहेड और अपर लिप के ही आते हैं। इतना आप कर लोगे तो हर जगह का कर लोगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और लाइक शेयर और कमेंट जरूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।